नमस्कार दोस्तों, कॉन्कर आईएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने इस लेक्चर के पहले मैंने दो लेक्चर ले चुका हूँ। इसमें हमने एक लेक्चर में भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और दूसरे लेक्चर में राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उसमें पढ़ाया हूँ। एमपीपीएससी 2020 के लिए अगर आपने इस वीडियो के पहले अगर वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी या संविधिक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये नया सिलेबस ऐड हुआ है। हम और आपको हर लेक्चर में दो बॉडी पढ़ाऊंगा। आज मेरा है सीएजी और नीति आयोग। पहले हम सीएजी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नीति आयोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सीएजी पढ़ने जा रहे हैं। जो सीएजी का जो फुल फॉर्म है, कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएजी, हिंदी में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। ये संवैधानिक निकाय है। हमारे संविधान में 148 बोलता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा होगा, मतलब आर्टिकल 148 ये बोलता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा होगा, ठीक है। ये हमारे संविधान के भाग 5 में है, हमारे संविधान के भाग 5 में है। टोटल हमारे संविधान में अगर आप पीटी के हिसाब से 22 भाग हैं, ठीक है। एक भारत लेखक परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। कहने का तात्पर्य यह है कि सीएजी भारत का लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रधान होता है, और यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। यहाँ पर देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का तात्पर्य हमारे संविधान के आर्टिकल 266, संविधान के आर्टिकल 266 भारतीय संचित निधि से है, ठीक है। जो ये भारत की संचित निधि है, इसका संरक्षक कौन होता है? भारत का सीएजी। सीएजी जो होता है वो वित्तीय व्यवस्था का संरक्षक होता है। अब इसको कैसे खर्च करना है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसका जो जांच करने का पावर किसके पास है या संरक्षण का पावर किसके पास है? हमारे सीएजी के पास है, लेकिन खर्च करने का पावर केवल सेंट्रल में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार, और राज्य में राज्य संचित निधि होती है और सेंटर में भारत की संचित निधि होती है। अब काय का नियुक्ति एवं कार्यकाल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो, ठीक है, 6 वर्ष या 65 साल। और राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्याग पत्र भेज सकता है। कैग राष्ट्रपति के नाम अपना त्याग पत्र किसी भी समय भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, या संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ दुर्व्यवहार और अयोग्यता के प्रस्ताव कर उसे हटाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको निर्वाचन आयोग में पढ़ाया था कि
भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की उनके पद से कैसे हटाते हैं। सेम यहाँ भी है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्षों को निर्वाचन कार्य के हम कैगों को कैसे हटाएंगे। जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सांसद सांसद के कागजात पर यहाँ पे लोकसभा लोकसभा में में 100 मेंबर इसको प्रस्तावित करें और राज्यसभा में 50 मेंबर प्रस्तावित करें। दोनों सदनों में ये प्रस्ताव लकी पाए, फिर ये आता है लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राष्ट्रपति, दोनों इसको एक्सेप्ट करें। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ये समिति को भेजेंगे, अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो समिति के पास नहीं जाएगा, ये फिर कैंसिल हो जाएगा। अगर समिति के पास जाता है तो उस समिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, या कि अगर वो नहीं है अन्य न्यायाधीश होंगे, फिर वो अलग इससे की जांच करते हैं। अगर जांच सही पाया जाता है तो वो अपनी रिपोर्ट सदन को देंगे और सदन से प्रस्ताव पारित तो होगा, फिर वो राष्ट्रपति को के पास जाएगा और राष्ट्रपति कैग को हटा सकता है। कहने का तात्पर ये स्वतंत्र है, इसको राष्ट्रपति केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरह हटाएंगे, मतलब सांसद को दोनों सदन विशेष बहुमत के साथ हटाएंगे, ऐसे नहीं मनमानी नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, अब आयोग की नियुक्ति, आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मतलब कायिक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जो कि पीटी के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कार्यभार संभालने से पहले यह राष्ट्रपति के सम्मुख निम्न शपथ या प्रतिज्ञान लेता है, मतलब कार्यभार ग्रहण करने के पहले कैग राष्ट्रपति के पास शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। और ये शपथ प्रतिज्ञा इस प्रकार है, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। दूसरा पॉइंट, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण रखेंगे, सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय पक्षपात अनुराग देश के बिना पालन करूंगा, निष्ठ संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। स्वतंत्रता, कहेंगे कि स्वतंत्रता इसी कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, इसे केवल राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्रवाई के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह राष्ट्रपति की प्रथा पर्यंत नहीं धारण करता। कहने का तात्पर्य यह है, इसी कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्रवाई के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह यह राष्ट्रपति के प्रथा पर्यंत नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार इसको हटाया जा सकता है, इसलिए ये स्वतंत्र कायक स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे हुआ है भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, ग्रहण नहीं करेगा, मतलब कैग यहाँ से रिटायर्ड होने के बाद किसी अन्य पद पर, चाहे वह भारत के सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, पद ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब कैग अगर या कैग अपना रिटायर्ड होने के बाद कोई अन्य सेवा, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, वो ग्रहण नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका वेतन अन्य सेवा से शर्तें सांसद द्वारा निर्धारित की जाती है, सांसद द्वारा निर्धारित की होती है, वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। कैग की वेतन अन्य सेवा शर्तें सांसद द्वारा निर्धारित करता, राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करता, यहाँ सांसद निर्धारित करता है, ये ध्यान देने वो नहीं, यहाँ सांसद निर्धारित करता है। कहेगा कि वेतन भत्ते कितने होंगे, इसका वेतन
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन, निवृत्ति की आयु के संबंध में इसके अधिकार उसी उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब इसके वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों और नियुक्ति के पश्चात उसमें परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का लेखा परीक्षा लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें, नियंत्रक महालेखा परीक्षा की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षा से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएगी। कैग जो होता है, भारत लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के कार्यालय में कार्य करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षा की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम के द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को उनके संबंध में संदेह, सभी वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि में प्रभावित होंगे अतः इन पर संसद में मतदान नहीं होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कैग के प्रशासनिक व्यय मतलब प्रशासन में जो खर्चा आ रहा है, एक कार्यालय में जो सेवा दे रहे हैं व्यक्ति, उसके सभी वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि, भारत का संचित निधि हमारे संविधान के आर्टिकल 266 में वर्णित है और अतः भारत इसको बोलते हैं भारत की संचित निधि, निधि पर भारित होगा। इस पे मतलब कहे जो है इस पे भारित होगा और इस पर कोई मतदान नहीं होगा, अतः इस संसद में इसमें कोई मतदान नहीं होगा, अर्थात ये स्वतंत्र है, कायक जो है स्वतंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई कोई भी मंत्री संपर्क दोनों पदों में नियंत्रक महालेखा परीक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं करता और कोई भी मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मतलब कोई भी मंत्री दोनों सदनों में, दोनों सदनों का तात्पर्य यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से है कि मंत्री उससे क्या प्रतिनिधित्व तो नहीं करेंगे, मतलब प्रतिनिधित्व कौन नहीं करेगा, कैग जो है कैग का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करेगा, मंत्री और मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और ना ही इसके कार्य की जिम्मेदारी लेंगे, इसलिए कैग कैग जो है स्वतंत्र है। अब कैग की कार्य कर्तव्य और शक्तियां, कैग की क्या कर्तव्य हैं क्या शक्तियां हैं अब हम इसको पढ़ेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। महालेखा परीक्षा कर्तव्य शक्तियां सेवा शर्त अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा विभाग को अलग करने हेतु संशोधित किया गया है। कई की महालेखा परीक्षा कर्तव्य, इसके क्या कर्तव्य होंगी, क्या शक्तियां होंगी, क्या सेवाएं होंगी, इसका अधिनियम, अधिनियम मतलब क्या होता है, यहाँ पे कानून की बात होती है, कानून बनाया, कानून 1971 का कानून को प्रभावी बनाया गया है और इस अधिनियम को 1976 से केंद्र सरकार से लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हैं संशोधित किया गया है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि पहले अकाउंटिंग और एडिटिंग मतलब कि क्या हिसाब किताब होगा, क्या खर्च होगा, दोनों रखता था, दोनों रखता था, लेकिन अब 1976 के बाद केवल लेखा परीक्षण करता है, अकाउंटिंग कैग नहीं करता। अगर आपसे ये पूछे कि कैग क्या अकाउंटिंग और एडिटिंग दोनों करता है, पहले करता था 1976 के पहले ये
ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का करता था। यहाँ पे अकाउंटिंग का मतलब उसका हिसाब किताब रखना और क्या खर्च होगा। जैसे सपोज करिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि किसी के पापा उसको पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, मान लीजिए कि 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो वो उसका प्रॉपर हिसाब भी लेते हैं कि बेटा तुम ये पैसा रूम क्रेडिट में कितना लगेगा, खाने का कितना लगेगा, तुम कितना पढ़ाई पे खर्च कर रहे हो, कितना अन्य अन्य खर्च आने जाने का। तो ये क्या हुआ, अकाउंटिंग हुआ, मतलब अकाउंटिंग हिसाब किताब हुआ। अब खर्च करने का, अब हम कहाँ कहाँ खर्च किए और क्या क्या किए, इसकी जो जांच है, पापा पूछेंगे बेटा तुमने यहाँ कितना खर्च किया, रूम रेंट कितना दिया, कितना नहीं दिया, क्या किया क्या नहीं किया। तो अकाउंटिंग और एडिटिंग दोनों कार्य करता था, लेकिन 1976 के बाद कैग जो है ऑडिटिंग का काम करता है, मतलब खर्च करने की जांच करता है, हिसाब किताब अकाउंटिंग नहीं रखता है। यह आर्टिकल 266 संचित निधि, राज्य संचित निधि होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की संचित निधि। फिर आर्टिकल 266 क्लॉज 2 लोक लेखा निधि, आर्टिकल 266(3) आकस्मिक निधि, इसमें केंद्र की भी होती है और राज्य की भी निधि होती है। आज भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग राज्य सरकार दोनों जारी करता है, लेकिन केंद्र में कैग केवल क्या करता है, ऑडिटिंग करता है। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अगर आपको आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कर्तव्य हो सकती होगी। वह भारत की संचित निधि या प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, ये सभी व्यय संबंधी लेखा का परीक्षण करता है। मतलब कहे भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ और जहाँ विधानसभा हो, सभी व्यय का लेखाओं का लेखा परीक्षक करता है। मतलब कैग जो है भारत की संचित निधि भी की भी जांच करता है और राज्य की भी संचित निधि का भी जांच करता है और केंद्र शासित प्रदेशों की भी करता है और विधानसभा की भी करता है। मतलब सभी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश की जांच कर, मतलब कि क्या परीक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वह भारत की संचित निधि और भारत की लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य की लोक लेखा के सभी व्यय का लेखा परीक्षक करता है। कई वह भारत की संचित निधि और भारत की लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का मतलब संविधान के आर्टिकल 266 का क्लॉज 3, और प्रत्येक राज्य की लोक लेखा निधि के सभी, मतलब लोक लेखा निधि के तात्पर्य आर्टिकल 266 का क्लॉज 2 लोक लेखा निधि की जांच करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ और हानि लेखाओं, तुलना पत्रों और अन्य सभी अनुषंगी लेखा का लेखा परीक्षक करता है। कैग केंद्र सरकार व राज्य सरकार के किसी विभाग के द्वारा जो सभी ट्रेडिंग का मतलब यहाँ व्यवसाय से है, या कि विनिर्माण लाभ हुआ या कि हानि हुआ, लेखाओं, तुलना पत्रों, यहाँ पे तुलना पत्रों का संबंध यहाँ से सरकार की गजट से है, और की लेखाओं की परीक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वह केंद्र सरकार व प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षक स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व की कर निर्धारण, संग्रहण,
उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करता है। एक मिनट, सुनिश्चित करता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किस राज्य सभी प्राप्तियों, मतलब क्या क्या कहाँ कहाँ से राजस्व आया, कहाँ कहाँ व्यय हुआ, परीक्षण स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व का कर निर्धारण, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए जीएसटी और भी जैसे पेट्रोल डीजल में लगता है या कि अन्य भी, इसका कर का निर्धारण सही से है या कि कर का संग्रहण या उचित आवंटन को प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए नियम और प्रक्रिया निर्मित की गई हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार को सलाह के राष्ट्रपति को सलाह कैग जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है कि वह केंद्र और राज्यों में लेखा का प्रारूप के रूप में रखे जाए। कैग जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र और राज्य के जो लेखा का प्रारूप है या कि किस रूप में रखे जाए या कि कैसा हो, इसका प्रारूप कैग बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार की लेखा रिपोर्ट राष्ट्रपति को संसद, मतलब कैग जो है केंद्र सरकार को लेखा रिपोर्ट देता है और लेखा रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखती है, ठीक है, और सांसद के प्रति रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार की लेखा रिपोर्ट राज्यपाल को विधानमंडल, मतलब कैग राज राज राज्य सरकार की लेखा रिपोर्ट देता है जो कि राज्यपाल को देता है, केंद्र में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति सांसद के समक्ष रखवाती है, और राज्य में राज्यपाल को कैग देता है रिपोर्ट और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष कैग की रिपोर्ट समक्ष रखवाता है। यहाँ रखवाने का सेंस ये है कि विधानमंडल में भेजता है और वहां पे इस पर चर्चा या बहस होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। कर और शुल्क, कर आप में आरोपित किया जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप कोई सामान परचेज करते हैं, कोई भी सामान, तो उसमें कर इंक्लूड होता है और शुल्क जो होता है शुल्क आप देते हैं। मान लीजिए जैसे आप किसी डॉक्टर को दे रहे हैं तो डॉक्टर को आप शुल्क अदा कर रहे हैं और जो कर होता है तो वो कर लगाया जाता है, ठीक है। जो शुद्ध आगम मतलब कर और शुल्क दोनों में डिफरेंस अगर समझ में आ गया हो तो इनके आगमों का निर्धारण और प्रमाणन कौन करता है, कैग करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सांसद की लोक लेखा समिति की गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा समिति संसद की लोक लेखा समिति की गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में करता है। अगर आपको सांसद का करने का मतलब यहाँ पे ये है, संसद में एक लोक लेखा समिति होती है जिसमें 22 मेंबर होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं, ये टोटल 22 सदस्य होते हैं। सांसद का तात्पर्य आप लोग पता ही है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो इसमें एक लोक लेखा समिति होती है। तो इस समिति के गाइड मित्र मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है, कैग काम करता है। इसमें 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं और 15 लोकसभा के, टोटल 22 मेंबर किसके होते हैं, लोक लेखा समिति के। आपको पीटी में ये भी पूछ सकता है लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं, जिसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 70 राज्यसभा के मेंबर होते हैं, टोटल 22 होते हैं। इसको गाइड करता कौन करता है, कैग करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ निगमों को लेखा परीक्षक कैग के द्वारा होता है, ठीक है। कुछ निगमों का लेखा परीक्षक कैग के द्वारा होता है, जैसे दामोदर घाटी निगम, तेल एवं गैस प्राकृतिक आयोग, एयर इंडिया,
इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन आदि का लेखा परीक्षक कैग के द्वारा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आयोग हैं जिसमें कैग नहीं करता है। अन्य निगम निजी पेशेवर अंकेक्षण द्वारा कैग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे भी अन्य आयोग हैं जिससे कि कैग मतलब कि उसमें निजी अंकेक्षण मतलब कि निजी कैग मतलब कि एक तरह से निजी उसको एक्सपर्टीज हो कि जो कि उसके वित्त को जांच कर सकता है, लेकिन उसमें भी वो कैग की सलाह पकड़ेंगे, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा। ऐसे नहीं, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम का, केंद्रीय भंडारण निगम का कैग की सलाह पर केंद्र सरकार नियुक्ति करेगा, फिर इसकी जांच कौन करेगा? एक प्राइवेट मेंबर करेगा। अंकेक्षण अंकेक्षण का शब्द यहाँ पे है, वो जांच करता है, अंकेक्षण एक अधिकारी होता है। और औद्योगिक वित्त निगम का भी कैग के सिफारिश पर केंद्र सरकार नियुक्त करता है। कौन करता है? कुछ ऐसे भी हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि संपूर्ण रूप से कैग जांच करता है, नहीं, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम और औद्योगिक वित्त निगम का कौन करता है? निजी पेशेवर अंकेक्षण, और ये कैग की सलाह पर केंद्र सरकार नियुक्ति करेगा निजी पेशेवर को, और ये केंद्रीय भंडारण निगम की जांच करता है और औद्योगिक वित्त निगम की भी जांच करता है। और कैग जो है, कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, मतलब 3 रिपोर्ट देता है। कैग जो है, अगर आपसे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, पीटी में डायरेक्ट पूछ सकता है कि कैग राष्ट्रपति को कितनी रिपोर्ट देता है, तो आप बोलेंगे 3। डायरेक्ट आपसे पीटी में ये भी पूछ सकता है कोई कोई, या कि फिर ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रिपोर्ट राष्ट्रपति को कैग राष्ट्रपति को नहीं देता है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। तो ये पीटी में डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, इसलिए आपको ये तीनों रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट पीटी के हिसाब से। पहला है विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा। नेक्स्ट वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट। तीसरा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। मतलब आपसे ये डायरेक्ट पूछ सकता है कैग राष्ट्रपति को कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 3। और ये भी पूछ सकता हो सकता है कि ऐसे भी पूछ ले कि राष्ट्रपति कैग राष्ट्रपति को इनमें से कौन सी रिपोर्ट नहीं देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी रिपोर्ट देता है। तो 3 रिपोर्ट में विनियोग लेखाओं का लेखा परीक्षक और वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षक, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक, 3 रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देता है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसको, जो पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो ये निम्न ये हैं। पद छोड़ने के बाद कोई पद धारण नहीं करेगा, मतलब कैग अगर यहाँ से कैग से रिटायर होने के बाद दूसरा कोई पद धारण नहीं करेगा। कैग को सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, और पहले कैग कौन है? पी नरिहर राव। कौन है पहले? पीहर नरिहर राव। कभी कभी एक ये है, ये कोट है डॉक्टर अंबेडकर का, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैग भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। अगर ऐसा भी कथन आ जाए कि कैग भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा, यह कथन किसका है? तो आपका जवाब होना चाहिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कई भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। अब एमपीपीएससी में आपको डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो एक आर्टिकल 148 क्या बोलता है कि सीएजी, और पिछली बार ये पूछा था आर्टिकल 149 डायरेक्ट पूछा था
कि सीएजी के कार्यों शक्ति कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 149 में है, राइट। इसमें केवल ये इसमें कैग के बारे में चार आर्टिकल हैं। आर्टिकल 148 क्या बोलता है, कैग के बारे में बोलता है, डाइट कैग कैग, और 149 कार्य एवं शक्तियां, आर्टिकल 150 संघ और राज्यकाल लेखाओं का प्रारूप, आर्टिकल 151 अंग के क्षण का प्रतिवेदन। ये संविधान में कैग के बारे में चार आर्टिकल हैं, 148 कैग, 149 कैग के कार्य एवं शक्तियां, 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, 151 अंकेक्षण का प्रतिवेदन। हो सकता है आप लोगों एक बार में याद ना हो, लेकिन इसको आप दो तीन बार इसको आप रिवाइज करिए, कोई मुश्किल काम नहीं है और आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या जो जो मेन मेन टॉपिक था हमने कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं थी, 1951 से लेकर 2015 तक यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं थी। लेकिन उसके बाद 2015 में हमारे यहाँ नीति आयोग बना, ठीक है। नीति आयोग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग उसको बोलते हैं। इसकी घोषणा हुई है 13 अगस्त 2014 को। हालांकि इसकी घोषणा 13 अगस्त को हुई है, लेकिन अलग की पीएम मोदी ने इसको लाल किले में भी 15 अगस्त 2014 को बोले थे। हालांकि इसका जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुआ है नीति आयोग। और अगर आपसे इससे ये पूछा जाए नीति आयोग के पहले क्या थी, तो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजनाएं थी, टोटल टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, और इसमें तीन 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 जो तीन है तो इसमें अलग की पंचवर्षीय योजनाओं में गैप है 3। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या कब से कब थी, दी 1951 से 56 तक, और जो लास्ट वाली थी 12वीं, तो टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी थी, 12 थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, 1951 से 56 तक थी, और उसके बाद 1 जनवरी 2015 के बाद हम पंचवर्षीय योजना को खत्म करके हमने अलग की केंद्र सरकार ने नीति आयोग ला दिया। अब नीति आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत सरकार की एक कार्यकालीन संकल्प एक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित निकाय है। इस प्रकार यह तो ना तो संवैधानिक है ना तो वैधानिक है। देखिए, भारत सरकार की एक कार्यकालीन संकल्प या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको बनाया गया है। ये ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। संवैधानिक का तात्पर्य यहाँ पे ये है, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है, ना ही इसे कोई कानून बनाया कानून से के द्वारा बनाया गया है। यह एक मंत्रिमंडल द्वारा मतलब कि एक संकल्प द्वारा इसको लाया गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, यह एक गैर संवैधानिक संविधानिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। यह संविधानिक निकाय है, साथ ही यह गैर वैधानिक, संसद में किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया है। अगर आपसे ये पूछे कि नीति आयोग ये संवैधानिक है, बिल्कुल भी नहीं है, ये वैधानिक है, बिल्कुल भी नहीं है, ये गैर वैधानिक है, ये संसद में इसे किसी अधिनियम के द्वारा नहीं अधिनियमित नहीं किया गया, ये एक कार्यकालीन संकल्प एक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है ना।
मतलब ये गैर संवैधानिक है और संविधानेतर निकाय है, मतलब इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। यह एक कार्यकालीन संकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित किया गया है, ठीक है। यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, ये सलाहकारी संस्था है। अगर आप ये बोले नीति आयोग क्या करता है, कैसी संस्था है, तो ये सलाह देती है। ये सलाह देती है किसको देती है, सरकार को देती है, ठीक है। और ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। सहकारी संघवाद का मतलब केंद्र और राज्यों की भावना को ये सलाह देती है कि इसको मतलब कि कैसे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सलाह देती है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गठित किया गया है। यह एक गैर संवैधानिक है, संविधानेतर निकाय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है, ठीक है। अब इसकी नीति आयोग की संरचना की बात करेंगे। इस अध्यक्ष जो होगा इसका पीएम होगा, शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिलिंग, सभी राज्यों के सीएम होंगे, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों के सीएम वा मतलब कि विधायिकाएं होंगी, क्षेत्रीय परिषदें होंगी, विशिष्ट आमंत्रित होंगे। इसमें पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा होगा। उपाध्यक्ष जो होगा ये पीएम द्वारा नियुक्त होंगे, इनका कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। सदस्य पूर्णकालिक ये राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं। श्री वी के शाश्वत अभी हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, डॉक्टर वी के पाल हैं। आंशिक सदस्य अधिकतम 2 होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे, ठीक है। तो अगर इसकी संरचना की बात करें, इसमें अध्यक्ष कौन होगा, तो देश का पीएम होगा। शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल, इसमें सभी राज्य के सीएम होंगे। अगर केंद्र शासित क्षेत्रों के भी सीएम होंगे या कि विधायिकाएं होंगी, और क्षेत्रीय परिषदें होंगी। पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा होगा, इसमें उपाध्यक्ष होगा, ये पीएम द्वारा नियुक्त होते हैं, और इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अगर ये उपाध्यक्ष हैं तो ये पीएम द्वारा नियुक्त होंगे, मतलब पीएम द्वारा मतलब कि नरेंद्र मोदी द्वारा नियुक्त होंगे, और इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। और सदस्य पूर्णकालिक राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं, और अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 होते हैं। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, और एक इसका जो है इसमें एक एक पॉइंट छूट गया है। इसका एक जो है इसका सचिवालय होगा, ये आप लोग ऐड कर लेंगे, इसका एक सचिवालय होगा, ठीक है। अब नोट, एक जो इम्पोर्टेंट बात है, एमपी में अभी तक नीति आयोग की स्थापना नहीं की गई है। अतः एमपी में 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1997 के योजना आयोग बनाया गया है। अगर एमपी में ये पूछा जाए, अभी तक नीति आयोग की स्थापना नहीं की गई है, लेकिन 24 अक्टूबर 1972 को योजना आयोग बनाया गया था। एमपी में जो योजना, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2020 में इसका नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग के नीति आयोग अभी कर दिया गया है, लेकिन अभी ये बना नहीं है, मतलब घोषणा तो हो गई है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। इसलिए पीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। योजना आयोग एमपी में कब आया, 24 अक्टूबर 1972 में, लेकिन योजना आयोग फरवरी 2020 में इसको नीति आयोग कर दिया गया है। अभी हुआ तो नहीं, लेकिन कर दिया गया है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया। तो ये नहीं पूछेगा तो ये तो पूछ सकता है योजना आयोग, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट पे लिखा है। और नीति आयोग के कार्य, नीति आयोग को कार्य नीति एवं कार्यक्रम फ्रेमवर्क का प्रकल्पना, सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन, अनुसरण एवं मूल्यांकन, विचार समूह और ज्ञान
नवाचार केंद्र के रूप में कार्य। हालांकि नीति आयोग के बहुत से कार्य हैं और नीति आयोग बहुत कुछ है, लेकिन पीटी के एमपीपीएससी 2020 में पीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लाया हूँ। और आज मैंने नीति आयोग कंप्लीट कर लिया और सीएजी कंप्लीट कर लिया। मतलब भारत का अगर मैं आपको इसका समराइज करूं तो कैग आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा होगा। नियुक्ति और कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष हो, 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और ये शपथ किसके सम्मुख लेगा, तो कैग जो राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेगा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ और जी, इसकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा, तो सांसद करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, इसकी शक्तियां क्या होंगी, तो ये अब 1976 के बाद ऑडिटिंग करता है, ठीक है, लेकिन राज्य में ही ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति को सलाहकार केंद्र और राज्य में लेखा प्रारूप के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और कुछ अन्य निगम ऐसे हैं जहां निजी अंकेक्षण होते हैं, लेकिन वो कह की फलाह पर केंद्र सरकार नियुक्ति करता है, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम और औद्योगिक वित्त निगम। और आप ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली कि कह राष्ट्रपति को कितनी रिपोर्ट देता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि 3 रिपोर्ट देता है। पहला विनियोग लेखा का लेखाओं पर लेखा परीक्षक, वित्त लेखा लेखाओं पर लेखा परीक्षक, सहकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक। अन्य प्रावधान, पद छोड़ने के बाद कोई पद धारण नहीं करता है, इनको सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। पहले कह कौन थे, तो पी नरहरि राव थे। और डॉक्टर अंबेडकर का कोटेशन पूछ सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कैग भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। आप से एमपीपीएससी में डायरेक्ट डायरेक्ट कभी कभी वो अलग, पिछले साल जैसे अलग 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछा था कैग की कार्य और शक्तियां, तो आर्टिकल 149 148 का आपको बताई दिया है, 150 संघ के और राज्यों के लेखा का प्रारूप, आर्टिकल 151 अंकेक्षण का प्रतिवेदन। मतलब कैग यहाँ से पीटी के हिसाब से खत्म हो गया। अब हम आते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। ये ना ही संवैधानिक है ना ही वैधानिक है, यह एक गैर संवैधानिक और संविधानेतर निकाय है, मतलब संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। ये कार्यकालीय संकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित किया गया है, ठीक है। और ये कौन सी संस्था है, तो ये आप बताएंगे, सलाहकारी संस्था है। ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। अगर आपसे ये पूछे कि नीति आयोग के पहले क्या था, हमारे देश में नीति आयोग से पहले पंचवर्षीय योजनाएं थी। पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 3 अवकाश ईयर हैं, फिर उसके बाद नीति आयोग आया, तो 1 जनवरी 2015 से आया, ठीक है। और नीति आयोग में की संरचना क्या है, तो इसका अध्यक्ष पीएम होता है, शासकीय परिषद में मतलब सीएम होते हैं सभी राज्यों के और केंद्र क्षेत्र के होते हैं, क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक संगठन ढांचा होता है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। और अगर एमपी के बारे में पूछे, तो एमपी में योजना आयोग 24 अक्टूबर 1972 को आया है। फरवरी 2020 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। और नीति आयोग के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ हैं तो मैं आपको नीति एवं कार्यक्रम फ्रेमवर्क का प्रकल्पना, सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन, अनुश्रवण और विचार समूह, मतलब हम आपको समरी भी बता दिए हैं। और हम आपको अब दूसरी भी, अब नेक्स्ट क्लास में
आपको हम किसी और मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में हम दो टॉपिक लाएंगे, हम छोटे छोटे सेगमेंट में आपको जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, हम आपको ऑथेंटिक सोर्स से आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी टीम इस पर पूरा फोकस कर रही है और अभी अल्लाह की आशा जैसे है कि हम एमपीपीएससी का सिलेबस एग्जाम की 10-15 दिन पहले पूरे पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे और जल्द ही इसके हम नए नए जो अल्लाह के एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हम आपको अल्लाह की हमारे टीम काम कर रही है और उसी के हिसाब से हम जल्दी ही एक दिन में दो तीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी इस पर हमारी टीम काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।